हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं उसे क्या किया आरसीसी में। कल आपने देखा था लिमिट स्टेट मेथड से, ठीक है, कुछ एजम्पशंस अर्थात लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर कंडीशन में उनके एजम्पशंस देखे थे। एजम्पशन के बारे में लिखा भी था, हमने कहा था इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर स्ट्रेस ब्लॉक के आधार पर हमने कुछ डेरिवेशन भी किया था। चलो, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकला था। जब एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकाला था तो उसमें एक रेक्टेंगुलर बना था, एक पैराबोलिक बना था। रेक्टेंगुलर एरिया की जो डायग्राम में रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो हाइट आई थी x1, हमने जो माना था उसका जो मान था 0.43 xu, और दूसरा जो आपका पैराबोलिक क्षेत्र था उसका जो हमने हाइट लिया था x2, आप कुछ भी मान सकते हैं, उसका मान आया था 0.57 fy। क्लियर हुआ? कभी कभी क्या करता है कि उसी को x1 और x2 को जो हमने 0.43 fy xy किया, यहाँ पर 0.43 xu किया, उसी को 0.43 ना करके 3/7 xu कर देता है। क्लियर हुआ? दूसरा जो आपका पैराबोलिक क्षेत्र था उसकी जो हाइट आई थी 0.57 xu, उसको 0.57 xu ना लिख करके, ठीक है, लिख देता है वहां पर आपका 4/7 xu। ठीक है, वहां से वाई बार का मान भी निकाला था, टोटल कंप्रेसिव फोर्स भी निकाले थे। टोटल कंप्रेसिव फोर्स का जो मान आया था वह आया था 0.36 fck × x2 × b, मतलब अगले हो। टेंसाइल फोर्स भी आपने निकाला था और टेंसाइल फोर्स का जो मान आया था 0.87 fy × ast। क्लियर होना से तो आज हम उसी के आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। ये डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बना था। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस था, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस था और ये हमारा कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा था। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बना था। यहाँ पर जो डिस्टेंस आई थी इसकी, यहाँ पर जो डिस्टेंस आई थी 0.57 xu, और यहाँ पर जो डिस्टेंस आया था वो आया था 0.43 xu। ये जो यहाँ से टोटल डिस्टेंस था वो हमारा था xu। यहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा था, ठीक है, इसको भी हम अल्टीमेट मान लेते हैं। यहाँ पर जो मान आया था 0.87 fy × ast, और यहाँ पर कोई एक कंप्रेशन फोर्स लग रहा था cu, जिसका मान लिया गया था 0.36 fck × b × xu। ये हमने कल निकाला था, ये हमने कल निकाल दिया था। और यहाँ से आता कि जो डिस्टेंस आपका निकाला गया था, कैलकुलेट किया गया था, वो आया था 0.42 xu। ठीक है, ये इतना हमने कल निकाला था, ये हमने कल निकाल लिया था। अब फिर हम जानते हैं क्या, कि कंप्रेशन फोर्स तथा टेंसाइल फोर्स, ठीक है, वह पॉइंट जहाँ पर कंप्रेशन फोर्स तथा टेंसाइल फोर्स कार्य कर रहे हों उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं क्या, लीवर आर्म। उसको हम कहते हैं क्या, लीवर आर्म अर्थात ZU। बताओ क्लियर हो? ठीक है, ये हमारा कुछ यहाँ पर है। अगर इसी को हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बीम में बना था, ठीक है, उसके चौड़ाई दे लिया गया था, गहराई दे लिया गया था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो स्ट्रेस आपका वो था 4/5 fck। ठीक है, तो आज हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे क्या, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बताओ क्या हो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में दो होगा, ठीक है, जिस प्रकार से आप वर्किंग स्ट्रेस पढ़े थे उसी हिसाब से यहाँ पर लिमिट स्टेट में भी देखेंगे। कौन कौन होगा? एक तो ये होगा जो इसके स्ट्रेन के आधार पर निकालेंगे, और दूसरा आपका होगा जो हम उसके यहाँ कहेंगे उस सेक्शन में जनरेट हुआ फोर्स के आधार पर निकालेंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है, हमने क्या बोला, एक हमने कहा कि आने वाले फोर्स के आधार पर ज्ञात करेंगे या लोड के आधार पर ज्ञात करेंगे, ठीक है, दूसरा हमने कहा उसके स्ट्रेन के आधार पर ज्ञात करेंगे। क्लियर हुआ? स्ट्रेन के आधार पर ज्ञात करेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि ये जो स्ट्रेन है, बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना, ये जो स्ट्रेन है किसी मटेरियल में जो भी मैक्सिमम स्ट्रेन है क्या उससे भी ज्यादा स्ट्रेन हो सकता है? हम कहेंगे बिल्कुल, हमने कहा कि हमारे पास स्टील है, ठीक है, और इसका जो स्ट्रेन है हमने फिक्स कर दिया 0.002 + 0.875 / es, हमने फिक्स कर दिया कि ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेन होगा।
क्या हम इसमें और अधिक स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं? हमें ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो फिक्स कर दिया गया है आईएस कोड के द्वारा, फिक्स कर दिया गया है कि स्टील में उत्पन्न स्ट्रेंथ का जो भी मान है 0.002 प्लस 0.87 ps लिया जाएगा। लोड की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे भैया फोर्स किसी भी धरन पर फोर्स का मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है, या हम कहेंगे कि जितना या जिसके आधार पर डिजाइन किया गया है उतना ही रह सकता है। हमने कहा कि ये हमारे पास एक धरन है और इस धरन पर, ठीक है, 100 kN फोर्स आएगा, हमने डिजाइन कर दिया। अब हम फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि इस पर लोड का मान 100 से अब भी हो सकता है, 100 से बिलो भी हो सकता है, अर्थात बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो हम कहेंगे जो फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स यहाँ पर दिया गया है, इस फोर्स के आधार पर हम कहेंगे ये आपका हुआ एक्चुअल, ये हमारा क्या आएगा एक्चुअल, और ये हमारा जैसे आप पढ़े थे वर्किंग स्ट्रेस में, ये हो जाएगा क्या क्रिटिकल, ठीक है। अब जब लिमिट स्टेट में पढ़ते हैं इसको हम क्रिटिकल ना बोल करके लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं या मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, बताओ क्लियर हुआ से, ठीक है। अब बात यह आती है कि फोर्स का मान घटेगा कि बढ़ेगा। हमने कहा कि फोर्स मान लगातार या समय के साथ बढ़ने का चांसेस होता है, जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ, ठीक है, हमारी फैमिली में दो लोग हैं, अब 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, इसी प्रकार से क्या वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो वही हम कहेंगे कि किसी भी सेक्शन पर लोड का मान घटता नहीं है, जो डिजाइन किया जाता है उसके पीछे क्या होता है वो बढ़ता हुआ जाता है, क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको मानना है कि ये लोड बढ़ भी सकता है, ये लोड घट भी सकता है, ये जो फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स की बात कर रहा है, क्लियर हुआ। अब धरन पर आने वाला अगर लोड का मान बढ़ा तो हम कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स का मान भी बढ़ सकता है, और इस फोर्स को हम कहेंगे किस पर डिपेंड करता है, हम यहाँ पर कहेंगे क्या स्टील पर डिपेंड करता है। अगर एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील आपको पता है तो हम कह सकते हैं एक्चुअल, ठीक है, क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ मटेरियल इसमें निकाल सकते हैं, और अगर हम बात करें वहां पर एक्चुअल एक्सयू आपको पता चल जाएगा तो कंप्रेसिव फोर्स का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेन है हम कहेंगे क्या कि किसी भी मटेरियल में स्ट्रेन को, ठीक है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात जो है उतना ही रहेगा। हमने कहा कि ये हमारे पास कंक्रीट है, थोड़ा सा मान लेते हैं कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो हमारा कितना है 0.0035, ये हमारा क्या है मैक्सिमम स्ट्रेन। हमने कहा कि ये कंक्रीट का स्ट्रेन है और ये जो होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है। फिर हमने कहा कि हमारे पास कोई कंक्रीट है दूसरा हमारे पास कोई कंक्रीट है और इसमें जो जनरेट हो रहा है या आने के जो चांसेस स्ट्रेन के हैं 0.04 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये तो हमारा क्या कर गया है, फिर ये आपका क्या हो रहा है अप्लाइड अर्थात आ रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि भैया हम जानते हैं कंक्रीट में अधिकतम स्ट्रेन 0.0035 होगा, अगर इससे ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है तो हम कहेंगे ये यहाँ पर फेल कर जाएगा। इनकी क्षमता जब इतनी है अब इससे ज्यादा हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हमारा क्या होगा फेल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये इनका लिमिट है, ये इनका क्या है लिमिट है। कहा जाता है अभी आप मान लीजिए 2 4 स्टूडेंट आपस में जाओ कहीं तो कहोगे ऐसा है कि अगर हमारे तक सीमित रहोगे या हमारे तक अगर आप कोई बात कर रहे हो बकवास कर रहे हो तो हम सह लेंगे, लेकिन अगर हमारा छोड़ अगर हमारे घर की तरफ गए तो ये समझ लीजिए कि आपकी लिमिट क्या हो गई यहाँ पर क्रॉस हो गई है, अब हमसे सह नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पर भी है क्या कि वो उसकी है लिमिटिंग वैल्यू, अर्थात ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए हमने यूज किया और उसके मान ज्यादा आ गया, अच्छा ज्यादा आ गया तो हम कहेंगे कि आप ये फेल कर सकता है। हमारे पास जो हम लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग और मैक्सिमम का मतलब क्या है। लिमिटिंग और मैक्सिमम का मतलब ये कि कोई कंक्रीट पे अधिकतम हम कितना लगा सकते हैं और जितना हम अधिकतम लगा सकते हैं वही उसकी क्या हो जाएगी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, जरूर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रेन के आधार पर देखेंगे और स्ट्रेन के आधार पर हम देखेंगे तो हम इसको कहेंगे क्या ये लिमिट होता है, ठीक है, अर्थात ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। और फिर हम कहेंगे ये हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, जबकि फोर्स के आधार पर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे CU = TQ और ये मान चेंज हो सकते हैं, अर्थात हम कहेंगे क्या ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, कांस्टेंट
नहीं होते हैं अर्थात वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं ये? वेरिएबल होते हैं। जब वेरिएबल होता है तो कहेंगे कि इसी का मान कहेंगे क्या, ये एक्चुअल मान आएगा, ये हमारा क्या आएगा एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो इसको हम एक्स ए एक्चुअल कहेंगे और इसको कहेंगे क्या कांस्टेंट होता है अर्थात एक्स लिमिट की बात करेंगे, एक्स लिमिट की बात कर लेते हैं। क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है लोड का मान चेंज होगा, इसका मान भी चेंज हो जाएगा। तो हम एक एक करके बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ठीक है बात कर लेते हैं एक्चुअल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? एक्चुअल की। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन किए थे तो वहां पर आपका क्रिटिकल कंडीशन निकाला गया था। तो मैंने बिल्कुल, क्योंकि वहां पर स्ट्रेस को बेस मानते हुए या वर्किंग लोड को बेस मानते हुए हम डिजाइन करते हैं, परंतु जब हम यहाँ की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि इस पे फोर्स को लेकर के डिजाइन किया जाता है, अर्थात उस पे जो एक्चुअल वर्क कार्य कर रहा है, जो एक्चुअल लोड आ रहा है उसके आधार पर हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे क्या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पर हम बात करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जब हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि कौन सा सेक्शन माना जाए, तो बैलेंस सेक्शन मानते हुए हम सॉल्व करेंगे। क्यों? हम पिछले वाले लेक्चर में देखे हैं कि बैलेंस सेक्शन आपका इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, इसी को हम क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं। बैलेंस सेक्शन होता है और इसी को हम क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो बैलेंस सेक्शन मानते हुए हम सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे क्या कि एक्चुअल में निकलेगा, हम जानते हैं क्या कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स इन दोनों का मान अगर बराबर कर दिया जाए, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स अगर इन दोनों का मान बराबर कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि यह सेक्शन आपका इकोनॉमिकल रहेगा। मतलब जितना टेंसाइल फोर्स आएगा उतना ही कंप्रेशन फोर्स आएगा। इसका मतलब हम कहेंगे क्या कि स्टील और कंक्रीट ये दोनों ठीक है एक समान रेट से अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेंगे। क्लियर हो जाते? तो यहाँ पर बात करेंगे, हम कहेंगे क्या कंप्रेशन फोर्स बराबर आपका हो जाएगा क्या टेंसाइल फोर्स, और कंप्रेशन फोर्स का जो मान आता है 3.36 ठीक है 0.36 एफ सी के इंटू एक्स टू इंटू बी, और ये इक्वल टू टेंसाइल फोर्स जो आपका आता है वो आता है 0.87 एफ वाई इंटू एस टी। अभी आपको कल निकाला गया था, यहाँ से हमें एक्स यू का मान निकालना है, एक्स इक्वल टू आएगा आपका 0.87 एफ वाई इंटू एस टी, और पूरे का बटा यहाँ पर आ जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू बी। ये हमारा किसका माना गया यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू का माना गया। हमें एसटी ज्ञात होना चाहिए, कंक्रीट और स्टील का ग्रेड ज्ञात होना चाहिए, उसकी चौड़ाई पता होना चाहिए। हम यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कितना आएगा, बता बेटे ठीक है। यहाँ से माना गया किसका मान एक्सयू का मान निकल गया, ये एक्सयू का मान किस पे डिपेंड करेगा, एक्सयू का मान जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो हम कहेंगे पहला नंबर तो बात करेंगे किस पे, हम एएसटी पर बात करेंगे ठीक है। किसी भी धर्म के लिए हमने कंक्रीट और स्टील के ग्रेड को कांस्टेंट कर दिया, किस पे? किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमने कंक्रीट और स्टील के ग्रेड को कांस्टेंट कर दिया, उसकी जो चौड़ाई हमने उसकी चौड़ाई को भी कांस्टेंट कर दिया। अब ऐसे कंडीशन हम कहेंगे कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहां पर चेंज हो सकता है, हम कहेंगे कि यदि उसमें स्टील के एरिया को चेंज किया जाए तो हम कहेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहां पर चेंज हो सकता है, क्योंकि एक्सयू का मान किस पर डिपेंड करेगा, एएसटी पर डिपेंड करेगा, और यही चीज आप पीछे वर्किंग स्ट्रेस में भी देखे थे, बता रहे थे बस। तो यहां से हमारा एक मान निकल गया, किसका मान निकल गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हटा रहे हैं इसको हम ठीक है। हम बात करेंगे क्या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका एक्सिस है जो उस पर आप रखे रहिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी हम ज्यादातर ठीक है। जिस प्रकार से आप वर्किंग में देखे थे कि एक्चुअल को ही ध्यान में रखकर डिजाइन करते हैं, यहाँ पर भी वही चीज करते हैं, एक्चुअल को ही ध्यान में रखकर डिजाइन करते हैं, लेकिन इसके कुछ कंडीशन भी है अभी बाकी देखते हैं। फिर हम बात करेंगे क्या ठीक है लिमिटिंग, लिमिटिंग या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग या मैक्सिमम, लिमिटिंग और मैक्सिमम मतलब क्या, हम कह रहे हैं कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कुछ होगा, कुछ भी आएगा, लेकिन इसका एक निश्चित सीमा है कि अगर इसके बाद जाएगा
तो यहाँ पर कहेंगे कंक्रीट यहाँ पर क्या करेगा, फिल करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यक्स ए का मान अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें स्टील की क्वांटिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप वर्किंग स्ट्रेस में पड़े थे, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस में क्या पड़े थे कि जब एक्स यू का मान बढ़ रहा है इसका मतलब स्टील का एरिया बढ़ रहा है। अब यहाँ फिर थोड़ी देर पहले, ठीक है, फिर आपने देखा कि यक्स यू का मान डिपेंड कर रहा है किसके, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। हमने एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील का मान बढ़ा दिया, हम कह रहे हैं क्या कि इसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्टील का मान बढ़ा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ा, उस स्थिति में कंक्रीट यहां पर क्या करेगा, फेल कर जाएगा। क्या आपका सेक्शन सेफ रहेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, सेक्शन तुम्हारा फेल करेगा। तो ऐसे कंडीशन क्या कहेंगे, हम कहेंगे सबका एक निश्चित वैल्यू है, अगर इससे ज्यादा इस पर आएगा हम कहेंगे सेक्शन फेल हो जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं कि एक्स ए का मान कितना हो सकता है, ठीक है, एक्चुअल में कितना होगा, अगर मैंने निकाल दिया 0.87 fy into st अपन 0.36 तक से के into v, बट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितना होगी, वो यहां पर निकालेंगे। और हमने कहा था भैया यहां स्ट्रेन को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व किया जाता है, किसको, स्ट्रेन को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व किया जाता है। और स्ट्रेन हमने कुछ देखा था, कल हमने स्ट्रेन में कुछ देखा था कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से बना था, ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आई थी 0.0035 और यहाँ पर जो वैल्यू आया था 0.002 प्लस 0.87 fy अपॉन es। यहाँ से जो इनकी डेप्थ थी ये था d माइनस xu, और यहाँ पर जो आपका मान आया था वो आया था कितना, xu, बता रखिए। ये तो भाई कल नहीं देखे थे, हम इसी तरह पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समरूप त्रिभुज की भांति कार्य कर रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया हम 0.002 वाले को भी तो लेकर सॉल्व कर सकते थे, हमने कहा हाँ कर सकते थे, परंतु यहाँ पर लिमिट की बात कर रहा है भैया, अगर ये लाइन क्रॉस करोगे तभी दिक्कत होगा। अगर हम 0.002 को क्रॉस कर रहे हैं तो क्या सिस्टम फेल हो रहा है, कहेंगे बिल्कुल नहीं फेल होगा, फेल कहाँ पर होगा, 0.0035। तो हम वहां पर बात करेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लेकर सॉल्व किया जाए कि भैया इतना अगर क्रॉस करोगे तब फेल होगे, अगर इसके अंदर रहोगे फेल नहीं होगे, क्लियर हुआ। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेकर के चलेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू लेकर के चलेंगे हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, और फिर देखेंगे कि कंक्रीट में उत्पन्न मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है और स्टील में उत्पन्न मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है। इन्हीं दोनों के मैक्सिमम स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए हम डेरिवेट करेंगे, बता रहे हो। तो समरूप त्रिभुज का नियम लगा दीजिए, जब समरूप त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो 0.0035 अपॉन xq = 0.002 प्लस 0.87 fy अपान es, अब पूरे का बटा होगा d माइनस x, फिर गुणा कीजिए d माइनस xu, अब पूरे का बटा आपका आएगा xu इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर जो xu ले जा रहा है कौन सा, मैक्सिमम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम मैक्सिमम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैक्सिमम लिख देते हैं d माइनस एक्स यू मैक्सिमम, और यहाँ पर जो हम लिख देते हैं मैक्सिमम, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं क्या, मैक्सिमम, क्लियर हो भाई, ये मैक्सिमम की बात कर रहा है ना, क्योंकि हम मैक्सिमम स्ट्रेन को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जो मान आएगा, यहाँ से जो मान आएगा d माइनस एक्स यू मैक्सिमम पूरे का बटा एक्स यू मैक्सिमम इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 0.002 इंटू ES का मान क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील, अर्थात स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है 2×10^5, बताओ क्लियर हो, इतना हुआ, ठीक है। अब प्लस करेंगे हम 0.87 और इंटू में FY, पूरे के बटा जो आएगा 0.0035 इंटू ES, और ये हो जाएगा 2×10^5, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया है, हमारा कुछ इस तरीके से आपका बन गया है। इस बार हम क्या करेंगे, हम ये ऊपर वाला मिटा रहे हैं और यहीं पर हम आगे बढ़ाएंगे। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा बनेगा कुछ इसी को ऊपर कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, डी अपान एक्स यू मैक्स माइनस करेंगे 1 = इनको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 2×4 ये आ जाएगा आपका 400 प्लस 0.87 fy, अब पूरे के बटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो
के भी हमारा कितना हो जाएगा 400। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डी अपान एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स अर्थात मैक्सिमम इज इक्वल टू वन को इधर करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 35 × 70 700 होगा, ठीक है। जब हम इसको आगे करेंगे उधर तो हम कहेंगे 700 इधर प्लस हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका 1100 प्लस 0.87 FYE और अपान में कितना हो जाएगा आपका 700। बता रहा क्लियर हुआ कि जो माइनस में था हमने उधर कर दिया, ये हो गया क्या प्लस में, क्लियर हुआ। इतना निकालने के बाद हम फिर आगे देख रहे हैं, ठीक है। इसी को अगर हम देख रहे हैं, हमें XU max का मान निकालना है, अर्थात XU max इज इक्वल टू जो भी आएगा वो आएगा 700 d / 1100 प्लस 0.87 FY और यहां से हमारा किसका मान मिल गया, XU max का मान मिल गया। बता रहा क्लियर हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि किसी भी धर्म में जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा वह इतना लिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो हम कहेंगे कंक्रीट फेल कर जाएगा या स्टील फेल कर जाएगा, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इतने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तब क्या होगा, ठीक है। अगर दिखा रहे हैं आपको कि क्या होगा, ठीक है। आप सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि भैया जब हमने मैक्सिमम स्ट्रेन के आधार पर सॉल्व किया है और इससे ज्यादा अगर हो गया तो हम कहेंगे वहां पर दोनों मटेरियल तो फेल, क्लियर हुआ। जब दोनों मटेरियल फेल हो गया तो हम कह सकते हैं क्या, कुछ भी हो जाए लेकिन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताकर क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि इसका मान भी हम कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। हम कहेंगे क्या कि हम मान लेते हैं XU max जो इज इक्वल टू, XU max इज इक्वल टू यहाँ पर हम लेते हैं KU into D, ये KU क्या है मान लेते हैं कांस्टेंट है और इसके KU मान क्या आएगा, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास है 250, एक हमारे पास है 415, एक हमारे पास है 500, दूसरा हमारे पास है 550, ये सब क्या है एक्चुअली का ग्रेड है, ठीक है। यहाँ पर हमने उदाहरण लिख रहे हैं, यहाँ देख रहा होगा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये जो K का मान है ये हमारा क्या है 700 / 1100 प्लस 0.87 FY, ठीक है। अब यहाँ पर हम K की बात करते हैं, KU की बात करते हैं और ये KU का मान कहाँ से निकलेगा, ठीक है। हम कह रहे हैं जीरो, हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या, सॉरी यहाँ पर इसको हम लिखते हैं KU और यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, एफ वाई या एफ ई या यील्ड स्ट्रेस। एक हमारे पास है 250, यील्ड स्ट्रेस 415 है, 500 है, 550 है, इसके स्थान पर केयू का मान कितना लिया जाएगा 0.53, इसका मान जो होगा 0.48, इसका मान जो होगा 0.46, इसका मान जो आएगा 0.44। बताओ क्लियर हुआ, ये हमारा केयू का मान है, ठीक है। ये याद करने से आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, क्लियर हुआ। तो प्री में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भाग लगाएंगे, ये आपका ठीक है एक्चुअल वैल्यू नहीं आता है क्योंकि इसमें एक आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन प्री में आप सॉल्व करेंगे इसी से, मेंस में भी आप सॉल्व करेंगे इसी से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहीं से आपका ये निकाला गया है। अब बात यह आती है कि अगर हमने कहा कि एफ ई 415 है, इसके लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, हम कहेंगे जब एफ ई 415 है तो इसके लिए 0.48 इनटू डी कर देंगे, धारण की गहराई को अर्थात स्मॉल डी को उठा के 0.48 में गुणा करा देंगे और यहां से हमारा एक्सयू मैक्स का मान आ जाएगा। बता दिया है मैंने, कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है पूछ लेता है एक्सयू मैक्स तथा डी, एक्सयू डी बोल देता है, बस केवल ऐसे बोल देता है XU/D का अनुपात क्या होगा, XU/D का अनुपात क्या होगा, ठीक है। फिर बोल दिया FE 250 के लिए, तो हम जानते हैं FE 250 के लिए 0.53 KU का मान होता है, अतः यहाँ पर जो फैक्टर है वही फैक्टर उठा के रख लीजिएगा, ठीक है, आपका साल वो हो जाएगा। बता बैठे ठीक है। तो देखो कैसे कैसे पूछता है, ये भी पूछ सकता है, जब ये पूछेगा तो ये आएगा फार्मूला, अगर ये फार्मूला पूछा है यहाँ से और ये आपको अगर नहीं याद है तो आप तुरंत एक्स मैक्स भाग लगाइए KU into D और एक्सयू अपॉन डी का अगर रेशियो पूछ रहा है तो जो आपका कांस्टेंट फैक्टर है वही फैक्टर यहाँ पर लिया जाएगा। बता दें क्लियर हुआ, तो इसको आप छाप लीजिएगा, इसको आप छाप लीजिएगा KU का मान वहाँ से है, KU ने यहाँ पर रख दिया है,
क्वेश्चन यहाँ से विभिन्न प्रकार से पूछ सकता है, मतलब क्लियर हुआ? ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पर, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, समझ के फिर यहाँ पर हम बताएंगे कि कौन से सेक्शन को यूज करते हैं, कौन से सेक्शन यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, पीछे थोड़ा चलेंगे वर्किंग स्ट्रेस में, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस से थोड़ा सा उठाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा ये, ठीक है। अब उतनी बड़ी कहानी नहीं समझाएंगे क्योंकि पीछे बताए हैं हम, यहाँ पर आपको मेन पॉइंट दिखा रहे हैं। देखो, मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कोई घर बना लेते हैं, चलिए रामायण अगर देखे होंगे, मान लीजिए सीता की कुटिया है, और यहाँ पर ये क्या है, लक्ष्मण रेखा। ये लक्ष्मण रेखा क्या दर्शा रहा है, इसके लिमिट को दर्शा रहा है, इसके लिमिट को दर्शा रहा है, और इसमें अगर अंदर रहेंगे ये क्या होगा यहाँ पर सेफ, और जैसे इसके बाहर कदम रखे थे तुरंत यहाँ पर कौन मिल गया था, ठीक है, रावण, अर्थात डेंजर जोन। ये हमारा क्या हो गया था यहाँ पर, डेंजर अर्थात खतरा हो गया था। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब ये इस रेखा को पार किए थे तभी इनको प्रॉब्लम हुई थी, अगर इस रेखा के अंदर थे क्या था वहाँ पर सेफ, तो वही चीज यहाँ पर भी है, वही चीज यहाँ पर भी है। उस रेखा को इन्होंने बोल दिया क्या, लिमिट। उस रेखा को इन्होंने क्या बोला, लिमिट बोल दिया कि किसी भी स्थिति में XU का मान, किसी भी स्थिति में एक्चुअल XU का मान XU मैक्स से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्थिति में XU का मान XU मैक्स से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी अधिकतम वैल्यू है, ये इसकी अधिकतम वैल्यू है, अगर इसी को ये क्रॉस कर जाएंगे क्या यहाँ पर सेफ रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ऐसे सेफ नहीं रहेंगे, हमने कहा कि यहाँ पर हम एक बना रहे हैं डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ पर, और ये हमारे पास बन गया, हम कह रहे हैं कि ये हमारा है XU लिमिट अर्थात XU मैक्स, ये हमारा क्या है XU लिमिट या XU मैक्स, जो लिमिट है उसी को हम मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, मैक्स हो गया। फिर हमने कहा कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि XU ग्रेटर देन XU लिमिट हो गया, XU मान देखो XU लिमिट से अर्थात XU मान यहाँ पर आ गया, और इसको इन्होंने क्या दर्शा दिया, ये इसका यहाँ पर क्या है XU, ये इसका क्या लिमिटिंग वैल्यू है, इसका लिमिटिंग वैल्यू है, ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। अब ऐसे कंडीशन हम देख रहे हैं क्या कि जब हम स्टील को फुल यूटिलाइज करा रहे हैं तो ऐसे में कंक्रीट हमारा क्या हो रहा है, फेल कर जा रहा है, क्लियर हुआ, कंक्रीट हमारा क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। तो कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, कंक्रीट क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल होने के कारण ये बिना बताए भाई साहब क्या करेंगे, फेल कर जाएंगे। अच्छा, बिना बताए फेल करेंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो उस स्ट्रक्चर के, मान लीजिए घर है, अगर उस घर के अंदर कोई है तो उसको चोट तो लग ही सकती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब कंक्रीट को यहाँ पर फेल करा रहे हैं, स्टील को फुल यूटिलाइज करा रहे हैं, तो हम क्यों ना कंक्रीट को फुल यूटिलाइज करें, जब हम कंक्रीट को फुल यूटिलाइज करेंगे तब तो नहीं फेल होगा। लेकिन हम कह रहे हैं क्या, यहाँ पर स्टील आपका फुल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, और स्टील एक कॉस्टली मटेरियल है, स्टील आपका महंगा थोड़ा सा होता है, हम यहाँ से कहेंगे, हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, ऐसा है कि फालतू स्टील यहाँ पर डाल रहे हो, अच्छा फालतू स्टील डाल रहे हो तो सेक्शन आपका हो जाएगा क्या, यानी को नाम कर, हमें सेक्शन के पैसे को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे हम कहेंगे क्या कि स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, अगर स्टील फेल कर रहा है तो फेल होने से पहले उसमें पर्याप्त क्या होगा, इलांगेशन, सफिशिएंट इलांगेशन होगा, जिसके कारण हम पता कर सकते हैं भैया अब ये फेल कर रहे हैं, यहाँ से निकल दो, ठीक है। तो स्टील फेल कर जाए से कोई मतलब नहीं है, वहां पर हमें पर्याप्त इंडिकेट करेगा पहले वो कि हाँ हम फेल होने वाले हैं, लेकिन जब कंक्रीट फेल होगा तो हम कहेंगे क्या एक ब्रिटल मटेरियल है, अब बिना बताए यहाँ पर क्या करेगा, ये फेल कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन हम क्या कहेंगे भैया, ऐसा है कि ये कंडीशन यहाँ पर मत अपनाओ, इसीलिए हम कहते हैं क्या कि लिमिट स्टेट मेथड में ओवर रेनफोर्स सेक्शन का, ठीक है, डिजाइन नहीं किया जाता, लिमिट स्टेट मेथड में ओवर रेनफोर्स सेक्शन का डिजाइन नहीं किया जाता, तब है क्लियर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आ गया तब करते क्या है, तब करते क्या है, तो उसके लिए हम जब मोमेंट बताएंगे वहां पर हम दिखाएंगे, उसके लिए हम डबली रेनफोर्स सेक्शन का यूज करते हैं, ना कि हम सिंगल का यूज करेंगे, क्लियर हुआ। मान लीजिए आ गया तो वैसे कोशिश करेंगे कि ये चीज ना, क्लियर हुआ,
तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि x का मान कभी भी अधिक नहीं होगा किससे, x max से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ओवरराइड फोर्स सेक्शन हो रहा है, और ओवरराइड फोर्स सेक्शन में हम कहेंगे कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि ओवरराइड फोर्स सेक्शन एक ब्रिटल फेलियर को प्रदर्शित करता है, अर्थात वहां पर कंक्रीट फेल होता है ना कि स्टील फेल होता है। क्लियर हुआ ऐसे? ठीक है, जो नहीं देखे हो जाके पीछे अपना देखेंगे, वहां पर आपको विधवा समझाया गया है काफी देर का लेक्चर। तो हम कहेंगे एक्सयू का मान अधिक नहीं होना चाहिए किससे, एक्सयू मैक्स से। ठीक है, तो हम कहेंगे ओवर रैंड फोर्स सेक्शन, ओवर रैंड फोर्स सेक्शन की अनुमति नहीं दी जाती, अर्थात इसको हम नहीं लेते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, ये आपका पहला था। दूसरा कंडीशन की हम बात करेंगे, तो हम कहेंगे एक्सयू का मान कम हो सकता है एक्सयू मैक्स से। बिल्कुल ठीक है, एक्सयू का मान कम हो सकता है एक्सयू मैक्स से। हम कहेंगे कि यहाँ पर एक डक्टाइल फेलियर होता है, यहाँ पर क्या होता है, डक्टाइल फेलियर होता है, और डक्टाइल फेलियर मतलब स्टील फेल करता है, और स्टील फेल होने से पहले पर्याप्त इलांगेट होता है, मतलब हम कहेंगे इसको हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज करेंगे। अर्थात हम कहेंगे ये आपका कौन सा सेक्शन लिया जाएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, हमने पीछे इसको ढेर सारा बताया है, ठीक है, वहीं से उठा के यहाँ पर समझा रहे हैं। तो जो पीछे नहीं देखे हैं वो पहले जाकर के पिछला लेक्चर देखेंगे, तो ये आपका जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तीसरे की हम बात करेंगे, हम कहेंगे ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, हाँ बिल्कुल कम होगा, क्या बराबर नहीं हो सकता है, हम कहेंगे बराबर भी हो सकता है। अच्छा, बराबर हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं क्या, बैलेंस सेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, बैलेंस सेक्शन। और बैलेंस सेक्शन हम जानते हैं क्या कि इसमें जो भी टेंसाइल फोर्स होता है वो हमारा कंप्रेसिव फोर्स के बराबर होता है। क्लियर हुआ? कंप्रेसिव फोर्स के बराबर होता है, और ऐसे केस में स्टील और कंक्रीट अपने अल्टीमेट वैल्यू को एक साथ प्राप्त करते हैं। क्लियर हुआ? कौन कौन, स्टील और कंक्रीट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को एक साथ प्राप्त करते हैं। हम कहेंगे जब एक साथ प्राप्त करना है, इसका मतलब स्टील भी फुल यूटिलाइज हो रहा है, कंक्रीट भी फुल यूटिलाइज हो रहा है, और वही तो हम चाहते हैं कि हमारा फालतू का मटेरियल ना लगे, जितना हमें आवश्यक है सिर्फ उतना ही लगे। तो हम कहेंगे क्या कि रेनफोर्स सेक्शन में सामान्यतः लिमिट स्टेट मेथड के अंतर्गत या IS कोड 456/2000 के अंतर्गत हम यह मानते हैं कि जो भी सेक्शन किया जाता है डिजाइन, वो हमारा किसको मान के कहता है, बैलेंस सेक्शन मान के डिजाइन किया जाता है। अर्थात हम कहेंगे कि IS कोड 456/2000 के अनुसार या लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार सामान्यतः बैलेंस सेक्शन का डिजाइन किया जाता है। बैलेंस सेक्शन या आप कहेंगे क्या, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन हम जानते हैं कि इसमें स्टील फेल कर जाता है, जबकि इसमें दोनों एक साथ फेल हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो आपका रहता है इकोनॉमिकल, वो हमारा कौन होता है, बैलेंस सेक्शन होता है। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक्सयू और एक्सयू लिमिट, एक्सयू लिमिट का मान जो है वो उसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए निकाला गया था। हम कहेंगे किसी भी स्थिति में, ठीक है, किसी भी स्थिति में एक्सयू का मान एक्सयू लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक डक्टाइल मटेरियल है, यहाँ पर डक्टाइल फेलियर है, सॉरी डक्टाइल नहीं, एक्सयू का मान अधिक होगा, अधिक नहीं होना चाहिए एक्सयू मैक्स से, या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नेवर ग्रेटर देन एक्चुअल आपका, हाँ न्यूट्रल डेप्थ, सॉरी ठीक है, यहाँ पर क्या आता है एक्सयू का मान अधिक नहीं होना चाहिए एक्सयू मैक्स से। हम कह सकते हैं कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नेवर ग्रेटर देन, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, वो भी कौन सा, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, अगर इससे अधिक नहीं होगा तो हम कहेंगे कि हमारा कौन सा हो जाएगा, ओवरराइड फोर्स सेक्शन। ओवरराइड फोर्स सेक्शन को हम यहां पर अभिकल्पन नहीं लाते हैं, क्यों नहीं लाते हैं, आगे थोड़ा सा देखेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा कि हमने के रूप मान निकाल लिया है, शुभ मान निकाल लिया है, हम ये भी जान गए सामान्यतः बैलेंस सेक्शन को लेकर के डिजाइन भी करते हैं, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेन का मान पूछ लेता है, स्ट्रेन का मान कैसे पूछता है, पूछ ले FI 250 के लिए स्टील में उत्पन्न मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन आप निकाल सकते हैं, स्टील में उत्पन्न मैक्सिमम स्ट्रेन जो भी होता है 0.002 + 0.87 FI/ER, वहां से करके आप निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? अभी हम लास्ट में एक टेबल बना देंगे, वहां से आप लीजिएगा, वहां से आपको डेटा समझने को मिल जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या लीवर आर्म, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे लीवर आर्म। इस लीवर आर्म की अगर हम बात करेंगे तो हम जानते हैं क्या कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के ग्रेविटी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहते हैं लीवर आर्म कहते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर तो जहां पर कंप्रेसिव फोर्स कार्य कर रहा है वहां पर तो जहां पर टेंसाइल फोर्स कार्य कर रहा है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं लीवर आर्म कहते हैं। या पीछे देखे हो अभी हम जब स्टार्ट किए थे तो वहां पर भी आपको दिखाए थे। अब यहां पर कहेंगे क्या कि लीवर आर्म डी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सॉरी जेड यू इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये निकल जाता है। ठीक है, अधिकतम जेड यू का मान क्या होगा, हम कहेंगे डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट, 0.42 एक्स यू लिमिट। देखो अब बात होती है हम कौन सा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कहेंगे क्या कि एक्स यू का मान कभी भी एक्स यू लिमिट से अधिक होगा नहीं, कभी भी एक्स यू लिमिट से आप होगा नहीं। आज अगर हम बात कर लेते हैं मान लीजिए एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट, ठीक है मान लीजिए ऐसा हुआ तो भी हम किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे और वहां पर जो एक्स का मान रखा जाएगा कौन सा रखा जाएगा एक्स यू लिमिट का मान रखा जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि एक्स यू बराबर हो गया एक्स यू लिमिट के, तब कौन सा मान लगाएंगे, चाहे फिर इसको लगा दीजिए और फिर चाहे आप इसको लगा दीजिए क्योंकि दोनों का मान आपस में क्या है बराबर है, पहले सेक्शन है दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। देखो फिर हमारा आएगा मान लीजिए फिर हमारा दूसरा आ गया कि एक्स यू का मान कम है एक्स यू लिमिट से, एक्स यू का मान कम है किससे एक्स यू लिमिट से या मैक्सिमम एक्स यू से, तब वहां पर हम किसको यूज करेंगे, हम वहां पर इसको यूज करके डी माइनस 0.42 एक्स यू, बता रहे हो। तो हम कहेंगे क्या कि ज्यादातर केसों में जो आपका आता है हम कहेंगे एक्स यू मान कम होता है एक्स यू लिमिट से, इसलिए हम इस वाले वैल्यू को लेकर के चलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास नहीं है एरिया टेंसाइल रेइंफोर्समेंट, आपको नहीं पता है, आपकी मजबूरी है, अब यहाँ पर मैक्सिमम एक्स का मान निकालेंगे और उसी मैक्सिमम एक्स के आधार पर हम जेड यू का मान निकाल लेते हैं और यहाँ जो मान आता है डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। क्लियर, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू से प्राप्त जो भी वैल्यू होगा वो भी मैक्सिमम को ही प्रदर्शित करेगा। जैसे हमने कहा कि एक्स यू लिमिट से हम लीवर आर्म का मान निकाल रहे हैं तो ये लीवर आर्म भी यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम होगा। जब यहाँ से मतलब इस वैल्यू से हम जो भी मान निकालेंगे वो भी आपका मैक्सिमम ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका मोमेंट भी निकाला जाएगा, बता रहे यहाँ से। ठीक है, ये हमारे ख्याल से कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये लीवर आर्म भी हो गया, ये आप कब लगाएंगे जब एक्स यू का मान कम होगा एक्स यू लिमिट से। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे जहां पर आपका ओवरलैप फोर्स हो रहा है बैलेंस एक्शन हो रहा है वहां पर आप किसी को भी यूज कर सकते हो। हो गया यहां से। ठीक है, लीवर आर्म भी हो गया है, हम यहां पर बात करेंगे अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी बात करेंगे यहां पर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी एक फॉर्मूला और आगे करा रहे हैं इसी लीवर आर्म में। लीवर आर्म में एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं डी माइनस 0.42 एक्स यू और ये हमारा क्या कहलाता है जेड यू। फिर हम जानते हैं क्योंकि एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी और पूरे का बेटा 0.36 एफ सी के इंटू बी, ये जानते हैं ये वाला हम फैक्ट वहां पर रखेंगे और ये जेड यू इज इक्वल टू आएगा डी माइनस 0.42 या क्या आएगा 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी पूरे का बेटा 0.36 एफ सी के इंटू बी। क्लियर, यह आपका जेड का मान है, जेड इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 इन दोनों को सॉल्व कीजिए। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ठीक है तो यहाँ से हमारा कुछ मान निकलेगा, यहाँ से हमारा कुछ मान निकलेगा 0.87 डिवाइड बाय 0.36 या रहा है 2.416, ये हमारा कितना आ रहा है 2.416 एफ आई इंटू ए एस टी पूरे का बटा एफ सी के इंटू बी। इसको उठा के इसके साथ गुणा करा दीजिए, जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो डी माइनस 1.05 के आसपास आता है और यहाँ पर आता है एफ वाई इंटू ए एस टी अपान एफ सी के इंटू बी। तो ये हमारा कहेंगे कि एक से ठीक है थोड़ा सा अधिक है, हम मान लेंगे लगभग एक है, मान लेंगे क्या लगभग
वन, अगर लगभग वन मान लेंगे तो जेड यू इज इक्वल टू डी माइनस एफ वाई इंटू ए एस टी अपान एफ सी के इंटू डी, ये भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर लीवर आप ठीक है ये वाला फॉर्मूला जरा तो आप टिक कर ही सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं मिला तो कहेंगे कि ये अभी आपके ऑप्शन में मिल सकता है, हम इसको भी सही करेंगे। ये आपके इसका एक्चुअल वैल्यू है 1.05 और इसी 1.05 को लगभग 1 के बराबर मान लिए हैं, लगभग 1 के बराबर मान लिए हैं हमने, उसे गुणा करा दिया और ये आपका यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो लीवर आर्म के लिए हमारा दो तीन प्रकार का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। हम ज्यादातर केसों में जो यूज करेंगे वो वही ऊपर वाला दोनों यूज करेंगे। ये हमने आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं आपका मिल सकता है। ठीक है, हटाएं फिर इसको, हटा रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आगे क्या देखेंगे यहाँ पर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम एम क्यू की बात करते हैं। चलिए यहां पर हमने बात किया, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बना था। यहां पर एक कंप्रेसिव फोर्स कार्य किया था सी यू, और यहां पर एक टेंसाइल फोर्स कार्य किया था टी यू। इनके जो बीच की डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस यहां पर क्या था, जेड यू। बता दीजिए ये हमारा कुछ था। ठीक है, हम पूरा वैल्यू ले लेते हैं। अब आप पीछे चले जाइए थोड़ा सा वर्किंग स्ट्रेस में, वहां पर आपने देखा था कि जब धर्म बेंड हो रहे थे तो ये बेंडिंग या तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण होता है और या तो किसी कारण होता है, टेंसाइल फोर्स के कारण होता है। क्या इसके अलावा भी होता है कोई फोर्स? कहेंगे बिल्कुल नहीं, या तो कंप्रेसिव फोर्स घुमाएगा या तो टेंसाइल फोर्स घुमाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि या तो ये कुछ इस प्रकार से होगा और या तो ये मान कुछ इस प्रकार से नहीं होगा। अतः हम कहेंगे कि इसमें भी दो प्रकार का यम का मान निकल सकता है। क्लियर हो? यम यू मतलब क्या, अल्टीमेट यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, अल्टीमेट की बात कर रहा है। अतः हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर फैक्टर को गुणा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फोर्स हमने निकाला है ठीक है, ये फोर्स आपका फैक्टर के साथ इंक्लूड रहता है। ठीक है, डिजाइन करोगे तो आपका थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या, कंप्रेशन फोर्स के आधार पर। कंप्रेशन फोर्स के कारण जब कंप्रेशन फोर्स की हम बात करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे क्या, एम यू इज इक्वल टू जो भी आपका मान मिलेगा सी यू इंटू जेड यू, अर्थात एम यू इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू, और ब्रैकेट में आपका आएगा डी माइनस 4 एक्स यू। बताओ क्लियर हो? यहाँ से हमारा कुछ मान मिलेगा, ये हमारा किसका मान आ गया, इसका। बताओ क्लियर हो? अब बात याद ही है कि कंप्रेशन हम कब यूज करेंगे, हम कहेंगे जब कंप्रेशन फेलियर हो रहा हो, जब कंप्रेशन फेलियर हो रहा हो तो ऐसे स्थान पर हम इसका यूज करेंगे। और यहाँ पर जो आपका डी एक्स यू का मान है वो हमारा एक्स यू लिमिट लिया जाएगा। वो हमारा कौन सा लिया जाएगा, एक्स यू लिमिट लिया जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर कि यम यू लिमिट इज इक्वल टू जो भी आएगा 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू लिमिट, थोड़ा भाई सही से लिख रहे हैं आप, 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू लिमिट डी माइनस 0.42 ठीक है एक्स यू लिमिट। ठीक है, कितना आया, हमने लिमिट की बात क्यों किया, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पर आपका ब्रिटल फेलियर हो रहा है। हम ये मान रहे हैं कि जब कंप्रेसिव फोर्स द्वारा मोमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या ब्रिटल फेलियर को दिखा रहा है, और जब ब्रिटल फेलियर को दिखा रहा है इसका मतलब कि सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स होगा। जब सेक्शन ओवर रेनफोर्स होगा तो ऐसे केस में ब्रिटल फेलियर होगा, कंक्रीट पहले फेल करेगा, और जब कंक्रीट पहले फेल करेगा तो हम वहां पर ऐसा फार्मूला निकालेंगे। क्लियर हुआ ऐसे? ठीक है, अब ऐसे फार्मूला ठीक है यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम कहेंगे इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, और ये यम यू लिमिट इज इक्वल टू बनेगा 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू लिमिट। ठीक है, बी को हम बाहर ले लेते हैं, और जब हम बी को बाहर लेंगे यहां पर आपका बन जाएगा डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। ठीक है, एक्स यू लिमिट, अब पूरे बटा यहां पर हम कर देंगे क्या, बी पूरे गुणा हमने क्या कर दिया यहां पर बी। अगर हम कहें
कि यहीं पर d से गुणा और d से भाग कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, d से गुणा और d से भाग कर दिया जाए तो हमारा क्या मिलेगा। हम कहेंगे ये वाला d आपका यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर भी आपका d लिखा जाएगा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो उनका नहीं, देखो यहीं पर d से गुणा और भाग कर रहे हैं, जब ये d से गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर होगा d स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, ठीक है d। और जो बटे में है वो हमारा d कहाँ पर लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एम यू लिमिट इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा आपका 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू लिमिट अपॉन d, फिर d स्क्वायर को हम बाहर कर रहे हैं 1 माइनस 0.42, ठीक है, और एक्स यू लिमिट अपॉन d, और ये बन जाएगा आपका क्या d स्क्वायर, बताने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ से आपका फॉर्मूला मिल जाएगा, कुछ नहीं किया हमने, d से गुणा भाग कराया है, कर लीजिएगा इसको, इतना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जब इतना मिला तो अब हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, एम यू लिमिट इज इक्वल टू आर यू इंटू बी डी स्क्वायर, आर यू इंटू बी डी स्क्वायर, ये आर यू है क्या, आर यू है क्या, हम कहेंगे 0.36 इसी को हम पूरा सॉल्व करेंगे, हमारा क्या मान, किसका मान आ जाएगा, आर यू का मान आ जाएगा, बताओ क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं आर यू का मान कैसे निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं इसको, और यहाँ से हम आर यू का मान थोड़ा सा देखेंगे, आर यू का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। आर यू इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू लिमिट अपान डी, एक्स यू लिमिट अपान डी, अच्छा एक्स यू लिमिट अपान डी के स्थान पर हम के यू तो भी लिख सकते हैं भाई, अभी आप पीछे देखे थे के यू, ठीक है, कोएफिशिएंट जो है, ठीक है। अब फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, ये आपका किसका मान है, आर यू का मान है, ठीक है। अब इसको आप जो है सॉल्व करके निकाल सकते हैं किसका मान कितना आएगा, सबको गुणा भाग कर लीजिएगा, वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर एम यू का मान थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, टेबल, चलो ठीक है बना, ठीक है इसको पहले कर लो, अगली थोड़ी देर में टेबल लगा देते हैं, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से आप निकाल सकते हो एम यू का मान। अब हम दूसरा देखेंगे, जब हम दूसरा देखेंगे, हम कह रहे हैं जब टेंशन फेलियर हो रहा हो, जब क्या हो रहा हो, टेंशन फेलियर हो रहा हो, और जब टेंशन फेलियर होगा तब वहां पर भी हम कुछ मान उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। टेंसाइल फेलियर की बात कर लेते हैं, टेंसाइल फेलियर ये कब होगा, हम जब कहेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन मान के चल रहे हैं, इसके पहले या तो ओवर होगा या तो बैलेंस होगा, हम उसको बैलेंस मानेंगे, और इसको हम क्या मान रहे हैं, अंडर। जब इसको हम लिखेंगे तो यहां से एम यू इक्वल टू आएगा, ठीक है, कंप्रेस्ड टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर, यहां पर आएगा का 0.87 fy इनटू ast, और इनटू में लिखेंगे क्या यहां पर jdu, यहां से आपका mu इक्वल टू आएगा 0.87 fy इनटू ast, ब्रैकेट में आपका d माइनस 0.42 xu, ठीक है। यहां से आपका ये मिल जाएगा, जब आपको एरिया ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, यहां कहेंगे टेंसाइल रेइंफोर्समेंट का एरिया निकालना है, तो वहां पर ये वाला फार्मूला लगाना अनिवार्य है, क्योंकि हम जानते हैं, फॉर बैलेंस सेक्शन, के लिए हम कहेंगे, एम यू का मान बराबर होगा किससे, एम यू लिमिट से, ठीक है, अंडर रेइंफोर्स सेक्शन, अंडर रेइंफोर्स सेक्शन के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे एम यू का मान कम होगा किससे, एम यू लिमिट से, और सिर्फ यही दोनों सेक्शन यूज किया जाते हैं, क्योंकि हम कहेंगे क्या कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन यहाँ पर यूज नहीं किया जाता, ओवर रेनफोर्स सेक्शन यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। यदि एम यू का मान अधिक हो गया एम यू लिमिट से तो हम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, डबली रेनफोर्स सेक्शन अपनाया जाएगा, यहाँ पर क्या अपनाया जाएगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन अपनाया जाएगा, तब ये हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एमयू के फार्मूले भी हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम
टेबल आपका बना दे रहे हैं यम और आर्यों का, वो आप लिख लीजिएगा ठीक है। यम और आर्यों का टेबल बना रहे हैं, हाँ तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एनुअल लिमिट का आपने निकाला था कुछ ठीक है, वहां से हम एनुअल लिमिट का मान एफ आई 250 के लिए इतना ले रहे हैं 0.149 एस सी के इंटू बी डी स्क्वायर। फिर आपका है 415, इसके लिए भी आपका एनुअल लिमिट का मान लिया गया है। यह आपका एनुअल लिमिट है, क्लियर हुआ। एनुअल लिमिट का मान आप डायरेक्ट आंसर रख सकते हो, या अगर आप आर यू इंटू बी डी स्क्वायर करके अगर निकाल रहे हो तो आर यू का मान ठीक है कंक्रीट का ग्रेड था स्टील के ग्रेड के आधार पर निम्नोत ले सकते हो, बता रहे हो। तो चाहे आपको एमयू का मान याद कर लीजिए मिलीमीटर का, हम यहाँ से उठा लेंगे, और चाहे ठीक है यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो कि चूंकि एमयू इज इक्वल टू क्या होता है आर यू बी डी स्क्वायर, तो ये आर यू का मान आप यहाँ से उठा करके रख सकते हो ठीक है। और बी डी यहाँ पर आपको सेक्शन में दिया होगा, बता रहे हो ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, क्लियर हुआ। फिर आगे हम बात करेंगे स्ट्रेन, उधर हमारा क्या है स्ट्रेन, कभी कभी आप सामने आपको पूछ लेता है कि Fe 415 के लिए स्टील में उत्पन्न स्ट्रेन या मैक्सिमम उत्पन्न स्ट्रेन क्या होगा, तो वहां पर आपका लिखा होगा 0.00380 लिया जाता है, क्लियर हुआ। तो हम कहां से निकाले हैं, अगर हम इस स्ट्रेन की बात करेंगे कि ये स्ट्रेन हम कहां से निकाले हैं, ये स्ट्रेन तो ये जो स्ट्रेन आता है ये हम यहाँ से निकाले हैं Fe इज इक्वल टू 0.002 + 0.87 FYMR ES ठीक है। हम यहां से करके इसको निकाल लिए हैं, इसको ये ऊपर वाले को ठीक है, ये ऊपर वाले को वहां से निकाले हैं। तो अलग अलग जगह के लिए हमने क्या किया है कि अलग अलग सबको लिख दिया है, चाहे आप निकालना सीख लो चाहे आप कर लो, तो याद करने से रहता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुरंत वहां पे मार सकते हो ठीक है। यहाँ से हम एमयू लिमिट का मान उठाएंगे, जहां पर हम डिजाइन की बात करेंगे वहां पर हम इसी टेबल की बात करेंगे, क्लियर हुआ। तो चाहे ये टेबल और चाहे आप ये वाली टेबल याद कीजिए ठीक है, वैसे हमारे ख्याल से ये आपको आसान पड़ेगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो। लेकिन आपके प्री एग्जाम में कभी कभी आरयू का मान भी पूछ सकता है ठीक है, तो हमारे ख्याल से इसको आप दो चार बार लिख लीजिएगा, दो चार बार लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। तो हम यहाँ थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, यहीं से थोड़ा सा हमें कंसेप्ट क्लियर करते हैं, हटाए इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। यहां से हम कह रहे हैं क्या कि जो भी मोमेंट है, जो भी मोमेंट का मान आ रहा है अर्थात ठीक है मोमेंट का जो भी मान आ रहा है वो कितना या किस पर निर्भर करेगा, तो चूंकि हम जानते हैं एमयू इज इक्वल टू ठीक है आरयू इंटू बी डी स्क्वायर, या एमयू इज इक्वल टू ठीक है यहां से अगर हम बात कर लेते हैं तो एक कांस्टेंट आपको मिल रहा है और इंटू में एफ सी के इंटू क्या मिल रहा है बी डी स्क्वायर, बता रखते हो। या इस आरयू की हम बात करेंगे तो ये आरयू आपके कंक्रीट और स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करता है, बता रखते हो स्टील और कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे जो भी मोमेंट का मान आएगा, जो भी मोमेंट का मान आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ठीक है ज्योमेट्रिकल सेक्शन ऑफ बीम कॉलम या कोई भी सेक्शन हो सकता है, तो हम कहेंगे उसके सेक्शन पर या मैं क्रॉस सेक्शन एरिया पर कंक्रीट के ग्रेड पर था स्टील के ग्रेड पर एम का मान डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वर्किंग और लिमिट में अंतर क्या आ रहा है, कैसे हमें पता चलेगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। अगर ठीक है अगर यम 15 की बात करें तो उसके लिए यम आर का जो मान आता था वो आता था क्यू बी डी स्क्वायर, और क्यू का जो भी मान आता था 0.83 लिया जाता था, वहां पर कितना लेते थे सॉरी क्यू मान 0.85 कितना लेते थे यहाँ पर 0.85 बी डी स्क्वायर, ये आपका था क्या क्यू। अब यहीं पर यम 15 के लिए अगर हम बात करेंगे हाँ 250 का है ठीक है, अगर यहीं पर हम 15 के लिए बात करेंगे आर यू का मान 250 के लिए ही तो ये आपका होता है 2.233। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q और RU में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, लगभग 2 गुना या इससे ज्यादा का डिफरेंस हो रहा है, क्लियर हुआ। ये भी संभाल रहा था, ये भी संभाल रहा है, लेकिन वहां पर जो फैक्टर था 0.85 ठीक है एफ 250 और एम 15 के लिए, और यहीं पर एफ 250 और एम 15 के लिए RU मान कितना रहा है 2.233। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इनकी रजिस्टर करने की क्षमता वर्किंग स्ट्रेस की अपेक्षा ज्यादा है, यही रीजन है कि यह सेक्शन क्या होता है स्मॉल हो जाता है, क्लियर हो यहाँ से। मतलब हम कह सकते हैं क्या
कि वर्किंग स्ट्रेस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता था, ठीक है, ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर क्या होता था, कम हो जाता था, क्योंकि क्यू का मान वहां पर कम था, ठीक है, इसलिए सेक्शन आपका बड़ा हो जाता था। जबकि लिमिट स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो लिमिट स्टेट में जो भी फैक्टर है वो फैक्टर का मान ज्यादा है, जिससे हम यहाँ पर कहेंगे कि सेक्शन आपका क्या होगा, स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो लिमिट स्टेट द्वारा बनाया गया सेक्शन छोटा होता है वर्किंग स्ट्रेस में बनाया गया सेक्शन की अपेक्षा, क्यों होगा, क्योंकि हम कहेंगे वहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो क्यू का मान, ठीक है, आर यू के मान से बहुत ही छोटा होता है, लगभग 2 से 2.5 गुना, क्लियर हुआ, इसलिए हम कहेंगे इसका बनाया गया, इसके द्वारा बनाया गया सेक्शन छोटा होता है, क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील, आगे हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे कि इसमें भी बैलेंस सेक्शन मानते हुए साल कीजिए, क्यों, हम ये भी थोड़ी देर पहले बार बार आपको बता रहे हैं क्या, कि वर्किंग स्ट्रेस में, वर्किंग स्ट्रेस में ओवर रेनफोर्स सेक्शन की संकल्पना नहीं की जाती, ओवर रेनफोर्स सेक्शन की संकल्पना नहीं की जाती है, वहां पर केवल या तो अंडर रेनफोर्स की बात करेंगे या तो, ठीक है, बैलेंस सेक्शन की हम बात करेंगे तो अंडर तो हम लेंगे नहीं क्योंकि स्टील फेल कर रहा है, इससे अच्छा क्या है, बैलेंस सेक्शन मानते हुए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे बैलेंस सेक्शन लेते हुए, बैलेंस सेक्शन लेते हुए, जब बैलेंस सेक्शन लेते हुए हम बात करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे क्या कि दोनों क्षेत्र में जो भी फोर्स होगा हमारा क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स हमारा आपस में बराबर होगा। यहाँ से देखेंगे 0.36 FCK into X2 into B is equal to 0.87 FY into AST। अगर यहाँ से AST का मान निकालना चाहें तो हम कहेंगे 0.36 FCK into B into XU और पूरे टोटल लिखेंगे यहाँ पर 0.87 FY, यह आ जाएगा, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, कि P इक्वल टू क्या होता है, एकांक क्रॉस सेक्शन में, एकांक क्रॉस सेक्शन या यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में डाली गई स्टील का क्षेत्रफल, यूनिट क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, एकांक क्रॉस सेक्शन में जितने मात्रा में स्टील डाली जाती है उसी को क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील, वर्किंग स्ट्रेस में हमने इसको बताया था, ठीक है। तो यहां पर कहेंगे क्या, हम जब ये जान रहे हैं तो ये हमें बनाना है, कैसे बनाना है, हम कहेंगे क्या कि यहां पर, ठीक है, यहीं पर दोनों तरफ बीडी से भाग कर दो, दोनों तरफ क्या करना है आपको, बीडी से भाग कर देना है, इधर भी बीडी से भाग कर दिया और इधर भी बीडी से हमने भाग कर दिया, बी से बी कैंसिल हुआ और ये आपका बन गया क्या, पी, चूंकि पी इज इक्वल टू क्या होता है, एएसटी अपॉन बी टू डी, यहां से बात करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू, इनको यहां से भाग कर दीजिए, 0.36 को 0.87 से करेंगे 0.414 और यहां से आपका बन जाएगा FCK into XU और पूरे बटा आपका हो जाएगा FY, पूरे बटा क्या हो जाएगा यहाँ से FY और into में क्या आपका आ जाएगा D, बता दीजिए वो, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, ये परसेंटेज ऑफ स्टील, क्लियर हो, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, हम कहेंगे कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करेगा, स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और वहां से हम परसेंटेज ऑफ स्टील का मान निकाल सकते हैं। ये कौन सा मान होगा, हम कहेंगे लिमिटिंग, काहे लिमिटिंग होगा, हम कह रहे हैं दोनों को हम बराबर मान के कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों एक साथ अपने अल्टीमेट वैल्यू को प्राप्त करते हैं, बताइए क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ से जो भी आपका मान निकलेगा वो भी पी लिमिट का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, ये लिमिटिंग की लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे, अर्थात ये इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर एक्सयू भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, हमें एक लाइन इसको और बढ़ा देते हैं, हम एक लाइन इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि P लिमिट इज इक्वल टू 0.414 FCK इनटू XU लिमिट और पूरे होता होगा आपका FY इनटू D, बता रहे क्लियर हुआ, तो यहाँ से आपका P का मान निकल गया है। इसके बाद हम टेबल बना रहे हैं, उसको आप जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने पी का मान निकाला था, पी लिमिट का फॉर्मूला हमने देखा था 0.414 FCK into X लिमिट मान FY into D। अगर इसी को मैं परसेंटेज में निकालना हो
तो यहाँ पर हम गुणे कर देंगे क्या 100, और यहाँ से हम ये दो सबका मान लेते हैं, ये पी परसेंटेज का मान है, ठीक है। क्यों हम कहेंगे क्या, ये डायरेक्ट हमने लिमिटिंग वैल्यू पी का मान निकाल दिया है, कि हम कहेंगे कि ये हमारा अगर एफ ई 250 है, 15 के लिए हमारा कितना ले जाएगा इतना, ठीक है, 20 के लिए 25, 30, 35, 40, एफ वाई 250 है, एफ ई 250 है, 415 है, ठीक है, ये स्टील का ग्रेड है ऊपर वाला, और ये आपका कंक्रीट का ग्रेड है, इन सब के लिए अलग अलग मान परसेंटेज निकाल के रखे गए हैं, ठीक है, परसेंटेज मान सबका निकाल के रखे गए हैं। इतना आप देख लीजिए, अब इसके बाद हम आपको कल इसका सबका स्टेप दिखाएंगे, उस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर हम डिजाइन भी देखेंगे। थैंक यू।